तथा लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं करती हुई दिख रही है। तमाम लोग जहां अपने घरों से बिना जरूरत के निकल रहे हैं, वहीं कई लोग बिना मास्क के भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे बाईं तरफ जो सड़क आ रही है, ये कई जनपदों को जोड़ रही है। जनपद बस्ती को यही सड़क जोड़ रही है और इसी से थोड़ा सा आगे हमारा जनपद बलरामपुर और गोंडा भी इसी सड़क से जुड़ रहा है। इसी सड़क के रास्ते जनपद सिद्धार्थनगर में लोग घुस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्ग पर अभी पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन ही करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जबकि हमारे दाईं तरफ जो सड़क जा रही है, ये जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर को जा रही है, इस मार्ग पर भी तमाम लोगों का आवागमन बिना जरूरत के भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालन करने के लिए ये निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों को विशेष जरूरत हो, दवा लेना हो या कोई आवश्यक जरूरत हो, वही लोग घर से निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से यहाँ कमजोर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ किसी की ड्यूटी भी नहीं दिख रही है, जिसके कारण जिसकी जब भी मर्जी होती है, कोई फोर व्हीलर से, कोई टू व्हीलर से, कोई तीन लोग बैठे हुए हैं, कोई दो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बिना मास्क के भी लगातार आवागमन कर रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में अब तक कुल 850 लोगों की कोरोना की सैंपल की जाँच कराई गई है, जिसमें अब तक 17 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका बर्डपुर के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। लेकिन एक आशा की किरण यह है कि उन लोगों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएंगे। जबकि 4 लोगों का इलाज जनपद संत कबीर नगर में किया जा रहा है, उन लोगों को वहाँ आइसोलेट किया गया है। बीते 2 दिनों में अभी कोरोना के यहाँ कोई और संदिग्ध मरीज नहीं पाए गए हैं। लेकिन अगर इसी तरह से महानगरों से पलायन करके लोग लगातार आते रहे और उनके लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो गाँव में भी कोरोना बम फूट सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लगातार भ्रमण करके लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं, वो 14 दिनों तक अपने घरों में क्वारंटीन तक रहें। अगर किसी में कोई परेशानी पाई जाती है, कोई सिम्टम पाए जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है या तेज बुखार है, तो ऐसे लोग अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी अस्पताल से जरूर संपर्क करें और उन लोगों को अच्छी सुविधा दे करके आइसोलेट कर दिया जाएगा। ये जो हमारे दाएं तरफ सड़क जा रही है, ये हमारे पड़ोसी देश जनपद नेपाल को जोड़ रही है और इस रास्ते से भी तमाम लगातार महानगरों से पलायन करके लोग अपने घरों को आ रहे हैं। लेकिन उन वाहनों की भी ना तो कोई जांच हो रही है, ना ऐसे लोगों का यहाँ कोई थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। यहाँ पूरी तरह से प्रशासन घोर लापरवाह दिखाई पड़ रहा है। अगर इसी तरह से स्थिति रही तो कोरोना का बम कहीं भी और कभी भी फूट सकता। सिद्धार्थनगर से के न्यूज इंडिया के लिए डॉक्टर बलराम त्रिपाठी। दिनों की राहत के बाद बिजनौर में